अब खबर ग्वालियर जिले से है, जहां बीजेपी के पिछोर से विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने गुरुवार को ग्वालियर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विधायक प्रीतम लोधी ने अपने बयान में कहा कि पूरी कांग्रेस को हमारे नेताओं ने चंबल की गहराइयों में डुबो दिया, राहुल जी कहां से इसको ऊपर ला पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य स्थापित करना चाह रही है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी बुजुर्ग नेता हैं वो सब चंबल की गहराइयों में दफन हो जाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 साल तक अब नहीं उभरने वाली। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। अब एक राहुल जी है, अब बताइए पूरी कांग्रेस को कहां तक निकालेंगे। तो कांग्रेस को हमारे मध्य प्रदेश के नेताओं ने चमली की गहराइयों में डुबो दिया, तो ये एक अकेले राहुल जी कहां से इसको ऊपर निकाल के ला पाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है कि इस समय पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राम राज्य स्थापित करना चाह रही है पूरे देश के अंदर और विश्वगुरु बनने जा रहा है, तो इसमें तो ये चंबल की गहराइयों में जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, अब की बार जितने बुड्ढे ठुड्ढे जितने भी हैं सब दफन हो गए कांग्रेस की उसमें चंबल की गहराइयों में। ये अब नहीं निकलने वाले कई 25 साल के लिए कांग्रेस नेता।